हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की, क्या खास है, क्या सीखने वाले हैं, आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर देख सकते हैं एक डेट लिखी हुई है। अब आपको जब भी डेट इंसर्ट कराना होता है तो ये तो एक डेट है, आप इसकी जगह कोई और भी डेट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 मार्च 2020 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, 1 मार्च 2020 हो गया ये, ठीक है, 2020। तो ये एक डेट हमने लिख ली। अब ये इस तरीके से डेट हम लिखना नहीं चाहते, काफी बोरिंग है। तो यहाँ पर चले जाइए और यहाँ पर आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करना है यानी कि माउस का लेफ्ट बटन दो बार लगातार प्रेस करना है। तो ये प्रेस करते ही ये कैलेंडर ओपन हो जाता है, और अगर आप कैलेंडर के साथ लिखना चाहते हैं तो आसानी के साथ लिख पाएंगे डेट। तो यहाँ पे देखिए ये डेट चेंज हो गई। और अब यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली ये ड्रैग करवा देना है इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है अलग अलग डेट्स उसी नंबर के सीक्वेंस में फिल होती चली गई है। पहले 17 मार्च, फिर 18 मार्च, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23। तो कुछ इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।